बसंत ऋतु मा जय। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ गड़नी डॉक्टर के पास। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, छोटी सी है, फिर भी डॉक्टर क्या कहते हैं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर से ही पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं हल गया था और हल लगाते लगाते बैल का जो एक पैर है वो सीधे मेरे छोटी सी उंगली पर चढ़ गई थी और उसमें मतलब दर्द बहुत सा जोरों से होने लग गया और पूरा जो है कि नीला पड़ गया उंगली। दोस्तों, यहाँ पर जंगली भैरव का मंदिर है। मैंने काफ़ी वीडियो में यहाँ के मंदिर के बारे में जिक्र किया है और यहाँ से ये हमारा गांव दिख रहा है। ये हमारा गांव है, ये यहाँ से शुरू होता है, लास्ट इंड आपको दिख रहा होगा, वहाँ नीचे स्कूल है हमारे गांव की। ये पूरा हमारा यहाँ पूरा इतना बड़ा एरिया गांव, यहाँ से ये नीचे घटीकाड़ पड़ता है, ये भी हमारे गांव में आता है और दूर दूर तक ये नावली गांव है, वहाँ पर माल और जूड़ा आपको साफ तो दिखेगा नहीं, सुबह का टाइम है, उधर धूप निकली नहीं, और वो आपको दूर ये हिमालय की चोटी दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, तो कमेंट में बताना आपको हमारा गांव कैसा लगा। यहाँ नीचे सड़क का काम चल रहा है अभी। दोस्तों, इसे पहचानते हो आप क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके कांटे इतने नुकीले होते हैं कि आदमी पे चुभ जाएं तो बहुत सी मतलब इतनी खुजली होने लग जाती है कि आदमी दर्द के मारे चिल्ला उठता है। दोस्तों, ये हमारे गांव का और हमारे यहाँ का नज़ारा है, सुबह के 9:30 के बाद का नज़ारा ये है। कितना सुंदर नज़ारा है। प्रॉब्लम हो गई भाई, क्या करें, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन एक बार डॉक्टर से डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम ठीक रह सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ के पीछे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की सलाह लेके हमें अपने बारे में थोड़ी बहुत सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि तब कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, ये इससे हम बच सके। दोस्तों, यहाँ पर किसी ने शादी के लिए लकड़ी, जो लकड़ी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पेड़ गिरा रखा है, तो मैं वीडियो में बताऊंगा कौन सा पेड़ है, देखें ज़रूर। देखिए दोस्तों, कितनी सारी लकड़ी यहाँ पर तैयार कर रखी है। ये मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, हम ग्वाड़ से नीचे पहुंच चुके हैं, अभी तो गड़नी बहुत दूर है, ये नीचे गड़कोट दिख रहा है। ये गड़कोट कहाँ है दोस्तों? दोस्तों, अभी हम गड़कोट में हैं।
मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था, ये माँ भगवती का मंदिर है गढ़कोट में। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर, आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस मंदिर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये पहाड़ी नींबू का पेड़ है गढ़कोट में, और हमारे यहाँ से नींबू के पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं जो पहाड़ी नींबू होते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा मैं कि विकास तो होता है, लेकिन विकास के साथ कुछ ऐसी बातें भी होती है जिससे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर सड़क आए हुए कम से कम 8-9 साल से ऊपर हो ही चुके हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो पैदल रास्ता है वो पूरा डैमेज हो चुका है। उसके प्रति लोगों का कोई जागरूक भावना नहीं है, उसको ठीक करने की कोई ऐसी दिल में या मन में ख्याल नहीं है कि उसको ठीक किया जाए। और काफ़ी लोग इस मार्ग पे अभी भी चलते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरा ख़राब हो रखा है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और टूट फूट। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है रास्तों का हाल। ये ऐसे छत्यानाश हो रखा है। ये देखिए आप, मतलब कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए कितने दिक्कतें होती है, ये किसी को कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ से जाने के लिए, कुछ समय पहले तो इतना पानी था यहाँ का, ये देखिए कैसा नज़ारा हो रखा है यहाँ पर देखने को। इतना कठिन रास्ता, मतलब कोई गिर गया तो मतलब बहुत ही उसके लिए मुसीबत हो सकती है, इतना डैमेज। दोस्तों रास्ते में चलते चलते कुछ लोग गौशाला बनाते हुए देखे गए। ये बारीक करके लकड़ी को गौशाला के ऊपर डाल देंगे, उसके बाद इसमें मिट्टी डालेंगे और उसके बाद इसको पूरा बनाएंगे। वो पता नहीं अभी, ये तुम्हें कौन बने थी। तो हम गढ़नी पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, जानेंगे क्या सुनने को मिलता है। ये हॉस्पिटल अभी डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, चलो देखते हैं पूछते हैं कहाँ पे। ये गढ़नी से उधर का नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए दोस्तों पाँव, ये लास्ट वाला उंगली कितना मोटा हो रखा है और पूरा नीला हो रखा है। इसी को प्रॉब्लम थी, बात छोटी थी लेकिन यदि रिस्क उठाते तो बड़ी भी हो सकती थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, बोला कि नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। जो खून था वो जाम हो गया था और उसी की वजह से दर्द बहुत हो रहा है। तो दोस्तों अब तक वीडियो में जो भी व्यू देखने को मिला या जो नज़ारा देखने को मिला, उसे देखकर उसके प्रति सोचकर हमारे लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गीत याद आया कि उन्होंने तभी ये गाना बनाया होगा अपने उत्तराखंड पर। मेरा डांडी का ठोक मुलुक जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय,
बसंत ऋतु मा जय, मेरा डांडी का ठोक मुलुक जैलू, बसंत ऋतु मा जय, बसंत ऋतु मा जय। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें।